discuss the first chapter of English. In English, we will discuss today the book Hornbill. In Hornbill, we will discuss the first chapter is the portrait of a lady. Means, एक लेडी का चित्र से पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र. सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. दिस चैप्टर इज रिटन बाय खुशवंत सिंह. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर. He was born in Hadali. Hadali is a village in Punjab on 2nd February 1915. His parents left him with his grandmother when they went to live in the city. He was a renowned author. He was a great journalist, politician, and a lawyer. He began his writing in 1956 when he wrote the novel Train to Pakistan. He left his birth for heaven on 20th March 2014. Let's start the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, दूसरों की दादी माओ की तरह. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ दूसरों की दादी माँ की तरह. वाज एन ओल्ड वूमेन, एक बूढ़ी औरत थी. बूढ़ी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her. 20 वर्ष में, पिछले 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें देखा है, जब से मैंने वो संभाला है, जब से मैंने उन्हें देखा है, वह बूढ़ी ही थी और उनको झुर्रियाँ भी थीं. यानी वो झुर्रियों से भरी हुई थी. आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा कि उनकी स्किन में जो है झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल आ जाती हैं, लाइनें बन जाती हैं, क्योंकि उनकी न्यू स्किन नहीं निकलती है. एक स्टेज होता है जहाँ तक न्यू स्किन आती है, उसके बाद न्यू स्किन नहीं निकलती है. तो कह रहा है कि मैंने 20 साल से उनको ऐसे ही बूढ़ा देखा था और झुर्रियाँ उनकी चेहरे पर या उनकी स्किन पर थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड एवर हैड अ हस्बैंड. लोग कहते थे कि वो एक बार कभी युवा हुआ करती थी, बहुत सुंदर हुआ करती थी, देखने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, और उनका पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन था उसके लिए. उसको इस चीज पर विश्वास नहीं था. माई ग्रैंड फादर, किस चीज पे विश्वास नहीं था? कि वो कभी सुंदर हुआ करती. पति, पति के होने पर विश्वास नहीं करना, ये तो गलत है ना. फिर वो कहाँ से आ जाएंगे? तो वो कह रहा है कि इस बात पे विश्वास करना मुश्किल था कि वो कभी सुंदर हुआ करती. माय ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हम अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादा का चित्र अंगीठी के ऊपर. मेंटल पीस, मेरे दादा का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था. वो जो आग जलाने का एरिया होता है उसके पास जो बैठक बनी हुई थी, वहां पर इनके दादाजी की फोटो चित्र, वो पोर्ट्रेट लटका हुआ था. He wore a big turban and loose fitting clothes. He wore, वो क्या पहने हुए थे? टर्बन यानी पगड़ी. पगड़ी पहने हुए थे और लूज फिटिंग क्लॉथेस और ढीले से कपड़े पहने हुए. His long white hair covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old.
ओल्ड और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, बड़ी सी दाढ़ी उनकी, और वो कहाँ तक आई थी, उनके सीने तक आई थी और उनके सीने के कुछ भाग को ढके हुए थी। और वो उसमें फोटो में उनकी एज लगभग 100 साल लग रही थी, 100 साल से भी ऊपर लग रही थी। He did not look the sort of person who would have a wife or a children. वो कह रहे हैं कि वे तो ऐसे लगते थे जैसे केवल बहुत से उनके पोते पोतियां हों, बहुत सारे बच्चे हों उनके, लेकिन ऐसा नहीं था। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. मतलब ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोते पोतियां हों, जहां तक मेरी दादी के जवान तथा सुंदर होने की बात है, वह घृणात्मक विचार की थी। सुंदर तो थी लेकिन उनके जो विचार थे वो हेटर्ड थे, नफरत करने वाले, घृणा करने वाले, ऐसे विचार थे उनके, ऐसे विचार की वो थी। She often told us of the games she used to play as a child. हमेशा वो बच्चों से बताया करती थी कि वो बचपन में कौन सा खेल खेला करती थी, क्या खेल खेलती थी, वो अपने बच्चों से बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on the part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वे हमें बताती थी बचपन की वो सारी बातें कि वो क्या खेल खेला करती थी, और उनके लिए ऐसा करना मूर्खता या पागलपन व अपमानजनक प्रतीत होता था, क्योंकि उन्हें ऐसा ही मानते थे लोग जैसा वे हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथाएं सुनाया करते थे। जो भी धर्म गुरु होते थे उनके बारे में वो अलग अलग स्टोरी बताया करती थी और वो सारे बच्चे उनकी बात सुना करते थे। She had always been short and fat and slightly bent. वे हमेशा से कम कद की थी, छोटी थी, शॉर्ट थी, नाटी थी और मोटी थी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी, झुक कर चला करते थे। आपने अपने दादी दादा को देखा होगा, कुछ के दादी दादा आराम से चलते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ के दादी दादा जो है झुक कर चलते होंगे बुढ़ापे की वजह से। तो वो छोटा कद उनका, शॉर्ट लेडी थी और झुक कर चला करते थे। Her face was a criss cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी, कहीं झुर्रियां ऐसी हैं, कहीं ऐसी हैं, कहीं ऐसी हैं, तो एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियां कहीं से कहीं जाती थी। No, we were certain she had always been as we had known her. हम विश्वास करते थे कि हमने जब से उन्हें देखा है वे सदैव से ही ऐसी ही थी, ऐसी ही झुर्रियों वाला चेहरा उन्हें थे, हमने उनका देखा है। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. जब से मैंने उन्हें देखा था तब से ऐसा लगता था जैसे पिछले 20 वर्षों से उनकी उम्र जो है, उनकी एज एक जगह पर रुक गई हो और वो आगे बढ़ ना रही हो। She could never have been pretty, but she was always beautiful. वे कभी भी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन हाँ वे सुंदर थी। She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary.
घर में बेदाग सफेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी। सफेद कपड़े पहने हुए और थोड़ा सा लंगड़ा कर, बुढ़ापे में आप देखते होंगे कभी जो है पैरों में दर्द हो जाता है, कभी जो है घुटने काम नहीं करते हैं, तो बहुत सारे बूढ़े लोग जो है स्टिक का सहारा लेकर, डंडी का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से वो भी जो है थोड़ा सा लंगड़ा कर चला करती थी और जो है अपने कुंवड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए। बहुत सारे लोगों को जो है पीठ पे कुंवड़ निकला होता है, आपने ऊंट को देखा होगा, ऊंट के पीठ पर भी कुंवड़ निकला होता है जिसमें फैट जमा होता है। इसी तरह से कभी कभी किसी इंसान को भी, किसी मनुष्य को पीठ पर कुंवड़ निकल आता है जिसकी वजह से उसका झुकाव हो जाता है। तो वो झुककर चला करती थी ताकि उनके कुंवड़ का जो बैलेंस है वो बना रहे, और इसी वजह से वो एक हाथ अपने कमर पर रखती थी, कमर पर रखकर एक हाथ चला करती थी तथा दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हैं वो माला जपते हैं, माला फेरती थी और एक हाथ से चला करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनके चांदी जैसे बाल, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर, चांदी जैसे बाल से मतलब है सफ़ेद बाल, बूढ़े लोगों के सफ़ेद बाल हो जाते हैं, थोड़े काले रहते हैं, मिक्स रहते हैं, तो उसको बोला जा रहा है उनके सिल्वर लॉक्स का मतलब है चांदी जैसे बाल। पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे और कह रहे हैं उनके होंठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे, यानी कि वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वे बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाँ वे सुंदर थी, वे शीतकाल में पहाड़ी व भूदृश्य स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण हो, तो वो ऐसे वातावरण में जो है अपने आप को हमेशा जाती थी, ढालती थी। तो वो शीतकाल में या ठंडियों में किस तरह से दिखा करती थी, ऐसा लगता था पहाड़ी भूदृश्य थी, स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण हो, इस तरह से वो दिखा करती थी। माय प्यार मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे कि मैं उनके साथ रहूं क्योंकि वो शहर में रहने गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और जब से मैं और मेरी दादी माँ पिछले 20 सालों से एक साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो सुबह आकर मुझे जगाया करती थी, उठाया करती थी और मैं जाकर तैयार होकर स्कूल जाया करता था, यानी वो मुझे स्कूल जाने के लिए जगाया करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन आ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, हमेशा वो सुबह सुबह के भजन या सुबह के गीत मुझे उठाने के लिए या मुझे अच्छा लगाने के लिए, मुझे अच्छा लगे हमेशा की तरह अपना परंपरावादी जो गीत था वो मुझे सुनाया करती थी, इस उम्मीद के साथ कि मुझे भी वो याद हो जाएगा। और मैं सुनता इसलिए था कि मुझे उनका स्वर अच्छा लगता था, उनकी जो टोन थी, उनका जो रिदम था पढ़ने का सुनाने का बहुत अच्छा था, वो मुझे अच्छा लगता था। कह रहा है लेकिन मैंने याद करने की चिंता नहीं की। I would listen and get to know it by heart. I listen because I love her voice, but never got it to learn it. मुझे उनकी आवाज़
अच्छी तो लगती थी लेकिन कभी मैंने चिंता नहीं की कि मैं उसको याद कर सकूं। Then she would fetch my wooden stain which she had already washed and plastered with a yellow chalk. She would alter ink pot and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me. उसके बाद वो पहले के ज़माने में आप लोग को नहीं पता, मैंने देखा है बहुत पहले जो है इंक में यानी स्याही में एक वुडन की लकड़ी की कलम आती थी और उसको डोब कर उससे लिखा जाता था। तो इंक का उस वुडन पेन का और बहुत सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी चीज़ें जो है वो स्कूल ले जाया करता था उन सब का वो बंडल बनाकर मेरे बैग में रख देती थी। स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटन, कुछ रोटियां घी लगाकर बटर लगाकर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर शक्कर बिखेर कर शुगर छोटे छोटे दाने होते हैं शक्कर के वो बिखेर देती थी। और आपने भी मीठा पराठा खाया होगा, मीठी रोटी खाई होगी, उस तरह से वो लड़के को पैक कर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम लोग साथ में स्कूल जाया करते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज टॉक, और साथ में कुछ बासी रोटियां भी ले जाया करती थी कि रास्ते में गांव के जो भूखे कुत्ते होंगे उन कुत्तों को वो रोटियां डाल देंगी, कुछ जानवरों को डाल देंगी और वो उसको खा लेंगी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। क्यों जाया करती थी? क्योंकि स्कूल के पास ही एक मंदिर था और उस मंदिर में उनको पूजा करनी होती थी, इसलिए मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। द प्राइस टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। उस पुजारी ने, जो पुजारी था मंदिर का, उसने मेरी दादी को सुबह की प्रार्थना सिखाई थी, कुछ मंत्र बताए थे, कुछ अच्छी बातें बताई थी। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन अदर साइड ऑफ द बरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जब बच्चे बरामदे में, जो बरामदा बना हुआ था, उस बरामदे के दोनों ओर लाइन लगाकर बैठ जाते थे तो मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी, जैसे रामायण का पाठ होता है, जैसे महाभारत का पाठ होता है, जैसे पुराण गीता और उपनिषद का पाठ होता है, उसी तरह से मेरी दादी माँ पाठ करती थी, यानी कि कोई धार्मिक किताब को पढ़ना, वचन पढ़ना, दोहे पढ़ना, मंत्र पढ़ना, ये पाठ कहलाते हैं। तो मेरी दादी माँ पाठ किया करती थी और कह रहा है अंदर बैठकर, किस कमरे के, जहाँ पर स्क्रिप्चर बने हुए थे यानी कि मूर्तियाँ बनी हुई थी, पत्थर पे जो मूर्ति बनी होती है उसको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। When we had both finished, और जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, we would walk back together, तो हम दोनों लोग यानी दादी माँ और मैं साथ ही साथ वापस आया करते थे। We would walk back together, वापस आते थे। This time the village dog would meet us at the temple door, और यहाँ पर मंदिर का जो दरवाज़ा था, मंदिर का जो दहली थी, उस दहली पर, उस दरवाजे पर वो जो कुत्ते हुआ करते थे वो हम लोग को मिला करते थे, बैठा वहाँ पर रहा करते थे। They followed us to our home, और कहाँ तक हमारा पीछा किया करते थे, हमारे घर तक। Growing and fighting with each other, एक दूसरे को दहाड़ते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए। For the chapatis we threw to them, किस वजह से, क्योंकि जो रोटियां हम लोग उन्हें खिलाने के लिए ले जाते थे वो रोटियों को खाते हुए वो लड़ा करते थे और वहीं पर जो है पीछे पीछे हमारे घर तक आया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली
sent for us. तो उन्होंने हमें भी बुला लिया. पहले माता पिता चले गए थे 20 साल पहले. उसके बाद जब वो सेटल हो गए वहाँ पर तो उन्होंने दादी माँ को और मुझे भी शहर बुला लिया. हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया, यानी हमारी जो फ्रेंडशिप थी यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ा सा चेंज हो गई. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. यही टर्निंग पॉइंट था. मेरी दादी माँ से जो भी दोस्ती थी, जो भी मित्रता थी, ये अब उसके पिताजी ने इसको वापस बुला लिया. तो अब इसकी जो फ्रेंडशिप है दादी माँ से, वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगी. आई लो वी शेयर द सेम रूम. माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. कि अभी तक हम लोग एक ही घर में रहते थे और एक ही साथ स्कूल जाया करते थे. अब हो सकता है दादी माँ का साथ छूट जाए. आई यूज टू गो टू एन